इस वाले बैकग्राउंड को आप लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेना। देन यहां से चलेंगे ड्रा टूल्स में और फर्स्ट वाली लेयर को चूज करेंगे, जाएंगे ऐड फोटो में और अपने मॉडल को ऐड करेंगे, जिसके बैकग्राउंड को मैंने पहले से इरेज करके रखा था। यहाँ से कर लेंगे डन और इसे अच्छे से हम एडजस्ट कर लेते हैं। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म में और अपने मॉडल को रोलेट कर लेंगे और इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। देन यहाँ से कर लेंगे डन, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और एक और एम्प्टी लेयर बनाएंगे, प्लस वाले आइकन पर फिर क्लिक करेंगे, फोटो लेयर में जाएंगे और एक हैंड के पीएनजी को ऐड करेंगे। यहाँ से कर लेंगे डन, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। फिर से चलेंगे एक और एम्प्टी लेयर बनाएंगे और इसे हैंड और मॉडल के बीच में रख देंगे और इस पर हम क्रिएट करेंगे शैडो को, तो ऑपेसिटी को कर देंगे कम, हार्डनेस को रख देंगे 8 के आसपास और यहाँ पर क्रिएट करेंगे शैडो को, तो हल्का हल्का हम बस ब्रश चलाएंगे। आप लोग इसे आराम से करना और इसकी ऑपेसिटी को रख देंगे के आसपास। और हमारे शैडो पूरी तरह से रियलिस्टिक क्रिएट हुआ है, देख लीजिए। देन यहाँ से कर लेंगे सेव, यहाँ से कर लेते हैं डिस्कार्डेड और यहाँ से चलते हैं ऐड फोटो में और एक स्मोक की पीएनजी को ऐड करेंगे और यहाँ से कर लेते हैं ऐड और इसे जस्ट नीचे की ओर एडजस्ट कर देंगे। इसकी ब्लेंडिंग मोड को रखेंगे स्किन और इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे। देन यहाँ से कर लेंगे डन। अब इसमें कुछ कलर ग्रेडिंग करना है तो इसे ले चलेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में, तो यहाँ चलते हैं ड्रा टूल्स में, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे सेव इमेज और ले चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। हम लोग अपनी फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लिए, यहाँ से चलेंगे लाइट्स में और हाईलाइट को करेंगे कम, -40 या 38 के आसपास, शैडो को बढ़ा देंगे, वाइट को भी बढ़ा देंगे 33 या 34 के आसपास, ब्लैक को करेंगे कम -40, एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा देंगे, कंट्रास्ट को रखेंगे 7 के आसपास। अब यहाँ से चलेंगे कलर्स में, वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे, सेचुरेशन को करेंगे कम -11 या 12 के आसपास। अब चलेंगे कलर मिक्स में, रेड कलर में सेचुरेशन को कर देंगे डाउन, लुमिनस को बढ़ा देंगे। अब चलेंगे ऑरेंज कलर में, इसके भी सेचुरेशन को घटा देंगे, लुमिनस को रखेंगे 60 या 40 के आसपास और अब सभी कलर के सेचुरेशन को डाउन कर देंगे। बस ब्लू कलर को छोड़कर बाकी सभी कलर के सेचुरेशन को डाउन कर देंगे। देन यहाँ से कर लेंगे डन। अब यहाँ से चलते हैं इफेक्ट में और इसकी क्वालिटी को बढ़ा देंगे,
14 या 16 के आसपास, विंगनेट को करेंगे कम -26 या 25 के आसपास। यहाँ से चलेंगे डिटेल्स में और इसकी शार्पनिंग को बढ़ा देंगे, मास्किंग को भी बढ़ा देंगे और नॉइज रिडक्शन को रखेंगे 16 या 40 के 14 के आसपास। हमारी फ़ोटो पूरी तरह से एडिट हो चुकी है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और इसे कर लेंगे गैलरी में सेव। बिफोर एंड आफ्टर देखिए, बिफोर आफ्टर